बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव एक विवादित टिप्पणी के चलते विवादों में घिर गए हैं। शरद यादव ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर एक विवादित टिप्पणी कर डाली। दरअसल राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शरद यादव ने वसुंधरा राजे को मोटी कह दिया और कहा कि उन्हें आराम देने की जरूरत है। क्या कुछ कहा बिहार के इस वरिष्ठ नेता जी ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अलवर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक चुनावी सभा के दौरान शरद यादव ने लोगों से कहा कि वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, हमारे मध्य प्रदेश की बेटी हैं। आपको बता दें कि शरद यादव ने अलवर के मुंडावर सीट पर कांग्रेस गठबंधन के एक प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शरद यादव खूब आलोचना हो रही है। हालांकि इस बार बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। बढ़ते विवाद को देखते हुए शरद यादव ने बाद में समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मैंने इसे मजाक में कहा, मेरा उनसे पुराना रिश्ता है, यह किसी तरह से अपमानजनक नहीं है, उन्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैं उनसे मिला तब मैंने उनसे कहा कि उनका वजन बढ़ रहा है और ये वसुंधरा इसको आराम दो, बहुत थक गई, बहुत मोटी हो गई। हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है, इसको कहो कारण। वसुंधरा राजे ने इस बयान पर विरोध जताया है और कहा इसमें मेरा अपमान नहीं है, सभी औरतों का अपमान है। क्योंकि कोई भी नेता विद इतना एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि कल का है, एक्सपीरियंस नेता और जिनको हमारे परिवार से काफी करीब के ताल्लुकात थे, राजमाता साहब के साथ, ऐसे मैंने अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं रख पाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकता है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल यंगस्टर्स को जाता है और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी यंगस्टर ये सोचे कि इस तरीके से भाषा अगर बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते तो हम भी ये। आई एक्चुअली फील इंसल्टेड एंड आई फील वीमेन आर